मालपुरा में कावड़ यात्रा पर गुरुवार दोपहर टोंडी रायसिंह रोड पर पथराव, फिर अजगनी और अफरा तफरी और तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया। बताया जा रहा है कि एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा पथराव किया गया और इसमें एक दर्जन से अधिक कावड़ घायल हो गए। एक लग्जरी कार समेत दो वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया गया। रोडवेज की बस तथा एम्बुलेंस के शीशे तोड़े गए। परिचालक के साथ मारपीट भी की गई। देर शाम मालपुरा में धारा 144 लागू कर दी गई है। आधा दर्जन थाने की पुलिस सहित दो बटालियन को मौके पर तैनात भी किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान लगभग दो घंटे तक इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया था ताकि स्थिति काबू से बाहर ना जा सके। इस मामले में बताया जा रहा है कि बीसलपुर से जल लेकर कावड़ यात्रा आ रही थी और एहतियातन तौर पर पुलिस की गाड़ी और 5-6 जवान भी साथ चल रहे थे, पर यहाँ माना जा रहा है कि यात्रा की पूर्व सूचना देने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने उचित व्यवस्था नहीं की थी, नहीं तो इस तरह की दुर्घटना नहीं होती, इस तरह की घटना सामने नहीं आती थी, जिसके चलते पथराव किया गया और झगड़ा हुआ और मौके पर पर्याप्त पुलिस बल नहीं पहुंचा। फिर बाद में देर शाम स्थिति बिगड़ चुकी थी। हालांकि बाद में पुलिस ने जाकर इस मामले को संभाल लिया। हालांकि तब तक इस मामले का सोशल वीडियो वायरल हो चुका था। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि हमले के बाद पुलिस कर्मी कितने दुरुस्त थे, उन्होंने अपनी सेवाएं कितनी चौकसी करी हुई थी, क्योंकि वे भी इसमें भागते हुए नजर आ रहे हैं। मालपुरा से ये थी ऋषि अग्रवाल की रिपोर्ट।